आज का इस टूर्नामेंट का जो फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है तो दोस्तों कुछ ही देर में शुरू होने जा रहा है और आज का जिनका जो फाइनल मुकाबला आप एक फाइनल मुकाबला खेलो जरूर आपके जहन में एक बहुत बड़ा मुकाबला जरूर होगा कि आज बहुत बड़ा मुकाबला है और आपका ही हौसला वहां पर बढ़ाने के लिए हमारे मुख्य अतिथि वहां पर आए हैं और पेंज वर्सेस अर्सनी कमेटी उनियाना अर्सनी कमेटी फाइनल मैच और पेंज वाले पहले बैटिंग करेंगे टॉस जीत कर। तेरी पोछड़ी अच्छा मारो यो अरे सब मैच खेले थे मतलब ब्याह रही ब्याह आए वो ना मैच खेले तो बोले धोन क्या अब छोरे तमने नहीं करना वाइट टी शर्ट छोड़ छोड़ दे जन भी जो टेस्ट में हो छोड़ स्पोर्ट्स गया बैट बॉल ला ये तो टेस्ट बॉल अतिरिक्त रनों में लगातार इजाफा हुआ है। इजाफों के अच्छे बल्लेबाज हैं। राइट आर्म ओवर द स्टंप। ये बार बनाने के बड़े बोर्ड पे टप्पा खाने के बाद गेंद तेजी से उछली। छक्का। ये गेंद इस बार गेंद हवा में जरूर है। ताकत फील्डर है हमने जो क्या बल्लेबाज दो मैन स्टैंड में ये गेंद गिरी एक रन पूरा किया और फील्डिंग गला लगे हैं यूपी से पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने इन दो रनों के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 12 रन बिना खोते हुए राइट आर्म ओवर द स्टंप का हाथ में बल्लेबाज दीपक के लिए ए बाबा फाइनल के क्षेत्र में खेला है जब तक टाइम ऑफ गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले अच्छी फील्डिंग वहां पर फाइनल के क्षेत्र में गेंद थी और उसका सही तस्वीर लगती है दीपक पटवाल ने इस छक्के के साथ दीपक पटवाल पहुंचे अपने साथ 29 रन तीसरे ओवर में 12 के ओवर पे टीम का स्कोर पहुंचा 29 रन बिना किसी नुकसान के जबकि तीसरा ओवर फेंका जा रहा है अजय तीन पटकने अजय पता चली पहले पता चली दीपक पटवाल तेरी दीपक पटवाल तीन बॉल एक अच्छी शुरुआत है ये मुद्दे का बात है अब वो टीम ठीक नहीं है आपको जो टीम अजय अपने सफलता पर को आगे बढ़ाते हुए उनके सामने दाहक के बल्लेबाज जतिन के लिए बड़ी गेंद है ये तो क्या बोल पुके नहीं भाई जब तक गेंद फील्ड होती है बॉलिंग के तैयार राजीव के सामने जितने भी अतिरिक्त रन आ रहे हैं ये बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं मैच पे और आज हमने देखा प्रविंद को बहुत ज्यादा ओवर डिजाइन गेंदबाजी की पहले ओवर में 13 रन जरूर उन्होंने खर्च किए थे
और बहुत ज्यादा अतिरिक्त रन उन्होंने उस ओवर में खर्च किए थे। राहुल अभी तक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक छक्का जरूर लगा चुके हैं, तो इस मरतबा फिर से गेंदबाज चले, अच्छी भी गेंद जरूर इसको घेर दिया है। मैं लेके एरिया में राहुल ने लेफ्ट हैंड बल्लेबाज जरूर हो वहां पर मौजूद थे और इस आसानी से एक रन पूरा कर लेंगे, तो इस एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45 रन। चौथा ओवर गोल कर रहे हैं मिस्टर हिमांशु, और जहां तक मैं अभी तक मैच की बात करूं, अच्छी बैटिंग की है वहां पर मैच के सारे बल्लेबाजों ने, और जरूर आज खराब गेंदबाजी कहनी होगी यहां से कमेटी की टीम से। इस बार अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और हिमांशु एक आज नया नाम जरूर वहाँ पर मौजूद है कमेटी की टीम से। तो फिर से लेफ्टी बल्लेबाज वहां पर मिस्टर राहुल ने एक खूबसूरत सा छक्का से मिस्टर हिमांशु चले इस बार पा रहे है कि भी करना कम बैक हल्के हाथों से खेला वहां पर स्क्वायर लेके क्षेत्र में वो बढ़िया नहीं जीतेगा में मीन साथ ना बोल नहीं जानो होगा 63 रन 63 रन चार ओवर में 63 रन नहीं है बड़े बॉलर एक भी बड़े बॉलर एक देखा फोन होगी नहीं एक तरफ खेले उनमें हक भी बाहर खेल दिया इस गेंद को कवर के क्षेत्र में सॉरी पॉइंट के क्षेत्र में वहां पर फील्डर मौजूद है के आगे से एक रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने, तो इस एक रन के साथ टीम का स्कोर उछलेगा 71 रन। कमेटी होगा पूरा बल्लेबाजी कर रहे हैं वहां पर बैच की टीम के सभी बल्लेबाज और दोनों बल्लेबाजों के पास एक बहुत बड़ा मौका होता ओ वहां पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री लेकिन क्या चांस है इसके लिए दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं जितने भी दर्शक दूर दूर से देख रहे हैं राहुल एक लेफ्टी बल्लेबाज है और लेफ्टी बल्लेबाज चार छक्के लगा चुका है इस ग्राउंड में, अमूमन हमने देखा नहीं है इस प्रकार से बल्लेबाजी करते हुए किसी को लेग की टीम से पिछड़ा है जरूर इस प्रकार की बल्लेबाजी दिखाई दी वाले जरूर वहाँ पर कमेटी के टीम के जरूर वहाँ पर समर्थक ज्यादा होंगे, तो फिर से तीसरे रन की कॉल वहां पर ली है, तो इस 3 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे उछलेगा 80 रन 80-85 86 पिछले गेंद की तो वहां पर कैच आउट होने का जरूर खतरा था, लेकिन सुबह से लंबा खिलाड़ी जरूर वहां पर मौजूद वहीं पर अभी तक इस मरतबा फिर से गेंदबाज चले और दर्शकों को लगातार फील्डिंग कराते हुए वहां पर मिस्टर राहुल खूबसूरत बल्लेबाजी करते हुए क्या बात क्या बात जरूर
को दे पाए। ये लेकिन अच्छी गेंद खेल रहे इस गेंद को फैल के एरिया में हल्के हाथों से एक रन के लिए, तो इस एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे उछलेगा 97 रन और 6 ओवरों की समाप्ति पे टीम का स्कोर 97 रन। दो महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान हो चुका है बैट की टीम को, लेकिन उसे काफी ज्यादा फर्क पड़ा नहीं उनकी बल्लेबाजी में। लगातार ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए सर दोनों बल्लेबाज 109 रन 7वां ओवर और 109 कोटवाल जी भी हमारे कॉम्बॉक्स में आ चुके हैं और वो भी देख रहे हैं उनकी टीम जरूर पेंज वहां पर उनका जरूर वो समर्थन में आए हैं अपनी टीम तो जो अच्छी बात उनकी कमेंट्री में ये रहती है। तो इस बार फिर से पक्की भी गेंद जरूर, लेकिन इस बार थोड़ा वहां पर अनप्लेएबल वो गेंद थी जिसको ठीक तरह से खेल नहीं पाए। अच्छी तरीके से इस बार इस गेंद को फेंका जरूर वहां पर बिशर अनिल ने स्पिन गेंदबाज जरूर वहां पर मौजूद कमेटी की टीम के पास। तो फिर से इस बार ये गेंद खूबसूरत स्टंपिंग जरूर वहां पर हो सकती है, लेकिन अंपायर का सराहना बाकी है नॉट आउट और अच्छे तरीके से गैदर नहीं कर पाई वहां पर उस गेंद को। जरूर एक महत्वपूर्ण सफलता अपने खिलाड़ियों को मोटिवेट कर रहे हैं, अच्छी बात है। अभी तक प्रेशर में दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन काफी ज्यादा प्रेशर में इस बार खेल गए इस गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्रीज के ऊपर से 6 रनों के लिए मिस्टर राहुल ने क्या गेंदबाजी पूरी है आज लगातार। जहां तक मैं बात करूं अपने खिलाड़ियों को लगातार समझा जरूर रहे वहां पर कप्तान, लेकिन खिलाड़ी जितने भी मैं बात करूं अभी तक बैच की टीम से जितने भी अभी तक खिलाड़ी आए हैं जितने भी खिलाड़ियों ने वहां पर बल्लेबाजी की है सबने वहां पर छक्कों में डील जरूर की है। 7 ओवरों की समाप्ति में टीम का स्कोर है 115 रन। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए वहां पर बैच की टीम ओवर द स्टंप आपके बल्लेबाज रोहित के लिए, ये गेंद इस बार लॉफ्ट करना चाहते थे इस गेंद को, लग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद विकेट कीपर के पास, विकेट कीपर में बीट हुए जब तक गेंद थर्ड मैन पर गेंद फील्ड होती। दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले, दो अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर पहुंचा है 121 रन 2 विकेट के नुकसान पे। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई सूर्योदय क्लब पेंच की टीम में क्षेत्र में राहुल के बल्ले से निकलता है एक और छक्का, इस छक्के के साथ राहुल के लिए ये गेंद और इसको खेला है लॉन्ग के क्षेत्र में जब तक गेंद फील्ड होती वहां पर फील्डर के द्वारा। दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले, इस एक रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 128 रन 2 विकेट के नुकसान पे। बल्लेबाजी कर रहे हैं राइट आर्म ओवर द स्टंप आया के बल्लेबाज के लिए गेंद इसको खेल गया है मिड ऑफ के क्षेत्र में जब तक गेंद फील्ड होती वहां पर फील्डर के द्वारा। दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले, इस एक रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 129 रन 2 विकेट के नुकसान पे। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई यहाँ पे सूर्योदय क्लब पेंच की टीम। फाइनल का मुकाबला, बड़ा मुकाबला चलता हुआ इस ग्राउंड के ऊपर। अजय एक सफल नम गेंदबाज राइट आर्म ओवर द स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं दायां के बल्लेबाज राहुल के लिए। लग स्टंप उखाड़ के ले गई इनका, तीसरे विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पे। समय 7 क्रिकेट चलता हुआ इस ग्राउंड के ऊपर राइट आर्म राउंड द स्टंप बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंद अच्छी गेंद इस बार वहां पर रन आउट होने का खतरा जरूर सुरक्षित के ऊपर। इससे एक रन के साथ टीम का स्कोर हो जाए 130 रन 3 विकेट के नुकसान पे। टॉस द स्टंप बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए अच्छों के लिए
गेंद और इसको खेला है उनके क्षेत्र में, वहां पे अच्छी फील्डिंग जरूर कहा जा सकता है फील्डर के द्वारा, जहाँ पे एक या दो रन हो सकते थे वहां पे कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर अभी भी 28-130 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पट्टी हुई गेंद और अंपायर का इशारा देखना बाकी 6 रनों के लिए। रोहित के बल्ले से निकलता हुआ एक और का गगनचुंबी छक्का, टीम का स्कोर तेजी से उछल कर पहुंचा है 136 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई सूर्योदय क्लब की टीम, 7वां छक्का निकलता है रोहित के बल्ले से। अमित राइट का राउंड द स्टंप, बाहर के बल्लेबाज के लिए गेंद पट्टी हुई, गेंद हवा में जरूर है, उसके नीचे फील्डर जरूर आ रहे हैं, लेकिन प्राकृतिक बाधा से टकराने के बाद एक ही रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज, इसे एक रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 137 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। आप विवेक हैं स्ट्राइक हैंड पे, इन्हें क्षेत्रीय टूर्नामेंटों के जबरदस्त ऑलराउंडर हैं विवेक। अमित अपने सफलतम ओवर को आगे बढ़ाते हुए एक सफलता हासिल कर चुके हैं, बड़ा विकेट प्रियांशु का इस ओवर में लिया है। राइट आर्म राउंड द स्टंप, दाएं हाथ के बल्लेबाज विवेक के लिए गेंद और इस बार अच्छी गेंद थी लेग स्टंप के बाहर, पार का इशारा वाइड का, अतिरिक्त रनों की संख्या में इजाफा, टीम का स्कोर पहुंचा 138 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। अमित चले विवेक के लिए गेंद इस बार सेम डिलीवरी सेम रिजल्ट, अगेन वाइड। 36 गेंदों का खेल शेष है, अब ओवर द स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं बायां दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, डिफेंसिव अंदाज में खेला है, जानते हैं विवेक कि अभी ओवर बहुत है, रन बहुत बन चुके हैं, सम्मानजनक ढंग से खेलते हुए रोहित कुछ असमंजस में बल्ले को चेंज करते हुए के सामने आक्रामक बल्लेबाज, ये गेंद फील्डर के 30 गज के क्षेत्र में, जब तक गेंद फील्डर की वापस फील्डर के द्वारा दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले, इसे एक रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 140 रन। आपके बल्लेबाज विवेक के लिए इसको खेल दिया है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में 6 रनों के लिए, विवेक के बल्ले से निकलता है पहला छक्का, टीम को स्कोर तेजी से उछल कर पहुंचा 146 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई सूर्योदय क्लब पेंस की टीम, जबकि इस समय 10वां ओवर बन रहे हैं, राइट आर्म ओवर द स्टंप विवेक के लिए गेंद, अगली गेंद इस बार लौटने जरूर करना चाहते थे, ऑफ स्टंप से काफी बाहर, अंपायर का इशारा वाइड का, अतिरिक्त रनों की संख्या में इजाफा, टीम का स्कोर पहुंचा 147 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। अनिल राइट आर्म ओवर द स्टंप विवेक के लिए गेंद और स्कोर, गेंद हवा में जरूर है, उसके नीचे एक गवा दिया है जीवन रन, ये गेंद इस बाल की स्टंप से बाहर, गेंद रन लेना चाहते हैं वहां पे और एक रन, अंपायर का इशारा अभी भी आना बाकी, व्हाइट और पाइक दो अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर 150 के पार पहुंचता हुआ 150 रन, 3 विकेट के नुकसान पे, जबकि 10वां ओवर फेंक रहे हैं अनिल विवेक के लिए गेंद पट्टी हुई गेंद और इसको मिडन के क्षेत्र में खेला है 6 रनों के लिए, एक कबल्ले से निकलता है एक बार गगन चुंबी छक्का, टीम को स्कोर तेजी से उछल कर पहुंचा 156 रन, 3 विकेट के नुकसान पे, जबकि 10वां ओवर फेंका जा रहा है इस समय अनिल के द्वारा। चौका और छक्कों की बरसात होती हुई इस समय मधुबंगा स्टेडियम में, राइट आर्म ओवर द स्टंप, बाहर के बल्लेबाज के लिए गेंद इस बार पटकी हुई गेंद और इसको खेल दिया है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, जब तक गेंद फील्डर की वहां पर फील्डर के द्वारा दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदले, राइट आर्म राउंड द स्टंप, बाहर के बल्लेबाज के लिए गेंद और इसको खेला है मैदान
क्षेत्र में सुभाष को हलचल न गया। रोहित के बल्ले से निकलता हुआ एक और छक्का, टीम का स्कोर तेजी से उछल कर पहुंचा है 164 रन, 165 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। ये गेंद और इसको गेंद रोहित के क्षेत्र में 6 रन आ गए। कांचो भी छक्का निकलता हुआ इस समय रोहित के बल्ले से, रोहित निश्चित रूप से शतक जरूर बना सकते हैं इसी प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं अगर तो। आठवां छक्का निकलता हुआ रोहित के बल्ले से, आठ छक्के, छक्का निकलता हुआ रोहित के बल्ले से, टीम का स्कोर 9 छक्के लगा चुके हैं। फिलहाल गेंदबाज चले राइट आर्म बना दिया, ये 10वां छक्का जो वन से जाना बाउंड्री लाइन के बाहर, 10वां छक्का निकलता हुआ इस समय रोहित के बल्ले से, टीम का स्कोर तेजी से उछल कर पहुंचा है 177 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। कर रहे हैं रोहित, अमित चले राइट आर्म ओवर वेस्ट इंडिया के, इस बार अच्छी गेंद, 11 ओवर 178 रन, 4 विकेट। 24 गेंदों का खेल शेष है। चक्रवर्ती पटी और पार होने पटी में एक प्रेशर हूँ मैच नहीं, एक सिर्फ साफ हर है चार कुछ नहीं, 10 छक्का मिले नहीं है बाबा, चार विकेट के नुकसान पे रेल ट्रेन भाग रहे होने का खतरा जरूर है। एक और छक्का, 11 छक्का हो गए, सुनील सेकंड छक्का, अच्छा ते करने जा रही है मारे से ट्रक में मालिक जो रोहितन को मारी रजत के बल्ले से, रजत पहुंचे अपने 7 के युग पे, टीम का स्कोर तेजी से उछल कर पहुंचा है 188 रन। एक मिनट ओ छूट गई वहां पर, निश्चित तौर पर तीसरे रन की कॉल होगी और तीसरे रन की कॉल जरूर वहां पर, तीसरा रन भी पूरा कर सकते भाग 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 भी होगी वहां पर, आउट होने का खतरा जरूर लेकिन खराब थ्रो जरूर कहूंगा मैं। छह छह के बिना कमेटी के टीम के जितने भी खिलाड़ियों के ऊपर है इस बार आगे निकल कर खेला शतक शतक रे, इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर आगे उछलता हुआ 204 रन की टीम यहां से 200 के बढ़िया सोरन क्रॉस के लिए रोहित मारे है ना सचिन कभी छका हुआ रुक गया था लेकिन दर्शकों को
गलती है भाई, अब गलती है तीन मिनट रिकॉर्ड आज ना आप रिकॉर्ड बने ले अब ये मैंने दूसरी फुल डब्बो ने ओ छोड़ ली कैच खेलते दीपक खड़े रहे ये कैच खेलते हैं अच्छे रे बल्लेबाजी की है उन्होंने और अरविंद ने अपने आप को बैक किया और एक महत्वपूर्ण संभावना अपना पूरा काम कर चुके हैं। टीम का स्कोर अभी 224 रन है। बोले तो रहेगा तीन बॉल मिला कर खेल रहे 112 रन दोनों बीट हुए, बल्लेबाज भी बीट हुए, वहां पर कीपर भी बीट हुए और वहां पर फील्डर एक रन के साथ हां बॉलर वंत ना नीचे जा जाने 225 रन इस बार। ओ भाई दिशा में मिस्टर रजत ने इतना ना जरूर एक मानसिक दबाव से 46 रन से खेले थे मजाक बना लिया मजाक बना लिया भाई सचिन तबे बोलते हैं ओवर की समाप्ति 15 ओवर की समाप्ति पे टीम का स्कोर
232 रनों का यहां पर बत्तीस रखा है। आईपीएल है, आईपीएल सेकेंड इनिंग और सुनने वालों की बैटिंग। अब मैं अगर सेंट की टीम के सभी खिलाड़ियों की बात करूं तो आप विकास को हल्के में मत रखिएगा। पिछले मैच में इन्होंने 35 गेंदों में 80 रन बनाए थे और ये बल्लेबाज अकेले ही मैच को जिताने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। अगर आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं तो एक मैच में हो ये 22 या 23 छक्के भी जड़ चुके हैं। अगर फॉर्म में नजर आए तो आप ये मत समझिए कि आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं। ये बल्लेबाज ऐसा है कि ये अकेले ही इस मैच को जिता सकता है। तो इस पर मंसूरा ने इसने 142 रन बनाए थे, आप इसको हल्के में मत आइए। तो फिर से बल्ले गेंदबाज चले, दूसरा छक्का जड़ दिया है यहाँ पर स्क्वायर बाउंड्रीज के ऊपर से छह रन के लिए मिस्टर विकास ने। विकास अपनी पूरी फॉर्म में नजर आते हुए उनके साथ मिस्टर आशीष, एक हार्ड हिटर बल्लेबाज जरूर है वो, आज बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं मिस्टर आशीष। और दोनों भाई क्रीज में है मौजूद। तो फिर से मिस्टर संदीप अपने ओवर्स को आगे बढ़ाते हुए के लिए आप विकास को हल्के में मत आंकिएगा। पहले ओवर की समाप्ति पे टीम का स्कोर 20 रन, विकास 3 गगनचुंबी छक्के लगा चुके हैं। इस बीच खूबसूरत बल्लेबाजी करते हुए विकास। तो फिर से मिस्टर रोहित चले, इस बार आशीष के लिए गेंद हल्के हाथों से पुश किया, उस गेंद को फाइनल की दिशा में एक रन के लिए। तो इस एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे उछलेगा 21 रन। पहले ओवर की समाप्ति में जरूर टीम का स्कोर। तो फिर से रोहित चले, इस बार अच्छी गेंद, थोड़ा तेज गेंद फेंकी इस बार मिस्टर रोहित ने। रोहित की जहां तक मैं बात करूं, अभी तक गेंदबाजी की जहां तक मैं बात करूं, एक शॉर्ट रनअप जरूर इनका अच्छे ऑलराउंडर के रूप में पेंच की टीम से खेलने के लिए आए हैं, को मौका मिला है आज इनकी टीम में खेलने के लिए। इस बार पटकी हुई गेंद, इस गेंद को जरूर उड़ाना चाहते थे लेकिन लेग स्टंप से खासा बाहर वाइड। इस अतिरिक्त के साथ टीम का स्कोर आगे उछलता हुआ 22 रन। विकेट कीपर दीपक पटवाल, एक अच्छी कीपर जरूर उनके पास मौजूद। और फिर से मिस्टर रोहित चले, इस बार आगे गेंद फेंकी जरूर, इस गेंद पर ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए। इस गेंद को एक रन के लिए, इस गेंद को जरूर स्लिप की दिशा में खेला जरूर। तो इस एक रन के साथ टीम का स्कोर 23 रन। वही जहां तक मैं विकास की बात करूं तो अपने 15 रनों के निभानी होगी दोनों बैट्समैन को। इस बार नीचे रहती हुई गेंद स्टंप से थोड़ा सा बाहर वाइड। तो आशीष भी इस बात को जानते हैं कि अगर आप जितने अतिरिक्त रन बनाते देंगे उतना आपकी टीम को आगे फायदा होगा। तो फिर से रोहित चले, ऊपर से 6 रनों के लिए खूबसूरत बल्लेबाजी आशीष द्वारा। इसी प्रकार की बल्लेबाजी कर रहे होंगे मिस्टर और विकास अपने आगोश में नजर आते हुए नीचे रहती हुई गेंद इस बात को टीम से जरूर इस गेंद को फेंका मिस्टर रोहित ने। तो इस एक रन के साथ टीम का स्कोर और ओवर की समाप्ति होती हुई 35 बचता हुआ टीम का स्कोर 34 बार पक्की गेंद 4 रन हो चुके हैं मिस्टर आशीष। अच्छी फॉर्म में जरूर नजर आ रहे थे लेकिन आज अच्छे टच में जरूर नजर आ रहे थे। जहां तक मैं विकेट कीपर बात करूं दीपक पटवाल, एक जतिन चले, इस बार इस गेंद को खेलना जरूर चाहते थे लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं हो पाया। वहां पर विकास लगातार आपकी टीम बहुत पीछे रह जाएगी इस मैच में। इस बार खेल जाए इस गेंद को पॉइंट के ऊपर से, वहां पर फील्डर जरूर मौजूद है लेकिन दूसरे रन की कॉल होगी। वहां पर एक हमें यार मार्क्स है अजीब कन्वर्ट है खिलाड़ियों के बीच, जहां पर 2 रन हो सकते थे वहां पर मात्र 1 रन लिया दोनों बल्लेबाजों ने। तो 3 ओवर की समाप्ति पे टीम का स्कोर है 42 रन।
इस बार गेंद को खेला कवर के क्षेत्र में, वहां पर फील्डर जरूर मौजूद, आसानी से एक रन पूरा था और दूसरे रन की कॉल जरूर हो सकती थी, लेकिन विकास ने मना किया, वहां पर जरूर अपने आप को स्ट्राइक पे रखना के लिए तो फिर से नर्वस ना नहीं होने हैं। इस बार अच्छी गेंद नहीं दिया, इस बार तक गेंद, इस गेंद को खेल रहे विकेट की तरफ, फील्डर वहां पर मौजूद, आसान सा कैच वहां पर पकड़ दिया गया वो फील्डर ने, विकास की ज्यादा दारमदार था इसे टीम के, ये लगा दो आपकी अगर तीन या चार लगा सर अब खिलाड़ियों के बराबर खिलाड़ी को माना जाता है आज उस हिसाब से कब आ रू के चौजार अच्छी गेंदबाजी कर रहे होगी आपको दिखाई दे रहा है इस बार किस प्रकार से वो प्रदर्शन दिखा रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है मैडम उनके पास सारे घरेलू बल्लेबाज है, ये ऐसी ज्यादा क्रिकेट खेलते नहीं है और बहुत कम क्रिकेट के टच में रहते हैं, चार बदलाव के साथ अच्छे प्लेयर्स के साथ उतरी इस बड़े मुकाबले में और अच्छी मिस्टर अरविंद, अरविंद को इस गेंद पे छक्का लगाना होगा, मार लीजिए क्या तो देखना होगा किस प्रकार की बल्लेबाजी कर पाते उस गेंद को हल्के हाथों से, अच्छी साझेदारी निभानी होगी, कम से कम आप 15 ओवर खेल होंगे एक बड़ा मुकाबला जरूर है इस बीच इस गेंद को खेला जरूर विवेक, मैं आपके आपसे एक बात की चर्चा करूंगा कि एक बड़ा मुकाबला है, आप पर भी बहुत ज्यादा प्रेशर मौजूद होगा इस समय क्योंकि आप स्कोरर की भूमिका में हो और उससे ज्यादा प्रेशर वहां पर दोनों खिलाड़ियों के पास जरूर, वहां पर अरविंद एक अनुभवी बल्लेबाज जरूर वहां पर मौजूद है, हल्के हाथों से गेंदों को खेलेंगे और इस बार खेल गए इस गेंद को कवर के ऊपर से, जरूर वहां पर खेला था लेकिन बल्ला को उतना अच्छा संपर्क हुआ नहीं, अच्छी टीम मानी जाओगे क्योंकि फाइनल ये बहुत बड़ा मुकाबला इस बार हल्के हाथों से खेला उसको फाइनल के एरिया में एक रन के लिए, तो इस एक रन के साथ टीम का स्कोर 50 पहुंचता हुआ टीम का स्कोर, जबकि छठवां ओवर गोल किया जा रहा है और बोल्ड आउट कर दिया है वहां पर मिस्टर रजत ने, रजत एक अच्छी गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजी में रोहित और गेंदबाजी में रजत, खूबसूरत कॉम्बिनेशन का एक खूबसूरत सा कॉम्बिनेशन जैसे कि हमने टीम इंडिया में भी देखा है, रोहित और राहुल आर आर दोनों आर और हमारे सामने से मिस्टर शुभम गुजर रहे हैं, ये भी बहुत ज्यादा दिन यहाँ पर दर्शक के रूप में देखे गए और इस बीच फिर से ये गेंद अच्छी गेंद इस बार मिस्टर जतिन की और जहां तक मैं पैज के कप्तान की बात करूं वो जानते हैं कि अब उनके साथ उनका एक अच्छा खासा स्कोर बना रखा है, इसी बीच फिर से पक्की भी गया लेकिन अंपायर के साथ अंपायरिंग वहां पर इस बार अच्छी गेंद जिसको खेल दिया है
फाइनल के एरिया में एक रन के लिए हल्के हाथों से सुभाष इस बात को जानते हैं, इनको 15 ओवर तक खेलना होगा। अगर ये 15 ओवर तक खेलेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी टीम का मोराल उतना डाउन होगा नहीं, आपकी टीम कम से कम 15 ओवर तो खेलेगी। और आज विकास के ऊपर काफी ज्यादा दारोमदार था, आशीष जरूर आज अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे थे, काफी देर बाद देखा मैंने उनको ऐसे स्ट्रोक खेलते हुए, लेकिन लेग स्टंप को छोड़कर उस गेंद को खेल बैठा और निश्चित तौर पर वो उस गेंद को वाइड जरूर समझ रहे थे, लेकिन बोर्ड आउट जरूर हुए, उनके ऊपर भी काफी ज्यादा दारोमदार था। फिर से मिस्टर रजत आए गेंदबाजी करने के लिए, सुभाष हल्के हाथों से खेला, मिस्टर सुभाष ने लगातार अपने प्लेयर्स को समझाते हुए कि आपको इसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी थी, मिस्टर रजत के सामने हल्के हाथों से खेलना था उनको आपको। और सुभाष एक अच्छा प्लेयर है, स्पिन गेंदबाजी को बहुत अच्छे तरीके से खेलते हैं, मिस्टर अजय एक कम उम्र के खिलाड़ी अच्छे तरीके से खेलते हुए इस बार अच्छी गेंदबाजी कहनी होगी मिस्टर रजत की। 5 महत्वपूर्ण सफलताएं ले चुके हैं मिस्टर रजत और आज एक तरफा मुकाबला रहा बैच की टीम की ओर से। इस बार खेल गए इस गेंद को कवर के ऊपर से, खूबसूरत छक्का आज अजय अपने रंग में नजर आ रहे हैं, खूबसूरत छक्के से रजत को यहां पर जरूर उन्होंने सजग किया कि अगर आप थोड़ी सी भी गलती, थोड़ी सी भी चूक करोगे, थोड़ी सी भी आप उसको फाइट दोगे तो इसी प्रकार के गेंदबाजों गेंद को हवाई यात्रा पे भेजेंगे। इस बार अच्छी गेंद उसको हल्के हाथों से खेला, मिस्टर अजय इस बात को जानते हैं कि अगर आप 15 ओवर तक खेलेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी टीम भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएगी। इस बार रिलैक्स जरूर करना चाहते थे इस गेंद को, तो इस बार इस गेंद को खेल गया, इसको अलग बाउंड्रीज के ऊपर से 4 रनों के लिए, खूबसूरत बल्लेबाजी मिस्टर अजय द्वारा, क्या अच्छी बल्लेबाजी करते हुए मिस्टर अजय। दूसरा वो लेके हैं मिस्टर रोहित, आज इनकी बल्लेबाजी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, 112 रन इन्होंने बनाए हैं अपनी टीम के लिए, 40 गेंदों का सामना जरूर किया। वहां पर मिस्टर सुभाष जरूर सुभाष के पास एक अच्छा मौका अपनी टीम का हीरो साबित होने के लिए इस बार पटकी भी गेंद, अच्छे खिलाड़ियों को समझा रहे हैं कि आपको इसी प्रकार से हल्के हाथों से खेलना चाहिए था। और ज्यादा कुछ बचा नहीं है इस मैच में, 232 रन बहुत ज्यादा होते हैं और आपके ऊपर मानसिक दबाव भी है। 9 ओवर गोल किया जा रहा है मिस्टर रोहित द्वारा, रोहित भी जल्दी जल्दी इस मैच को निपटाना चाहते हैं, तो फिर से मिस्टर रोहित चले इस बार ऑफिटम से थोड़ा सा बाहर ये गेंद, सुभाष अब हल्के हाथों से खेल रहे हैं गेंदे, तो फिर से सुभाष इस बार लॉफ्ट करना चाहते थे, अभी टीम का स्कोर है 36 गेंद 163 रन, अच्छी गेंद इस बार गेंदबाज का नाम राहुल ने ये गेंदबाज रन के बावजूद बोर्ड कर दिया है वहां पर मिस्टर अजय को इस बार, अजय लेकिन इस बार समझ नहीं पाए इस गेंद को, आपको विकेट छोड़ना नहीं चाहिए था क्योंकि आपको पता है कि LBW का कोई नियम है नहीं, अच्छी बल्लेबाजी की है मिस्टर अजय ने। और अजय की जहां तक मैं बात करूं 10 गेंदों में 15 रन बनाए, अच्छी बल्लेबाजी की है उन्होंने, उनकी टीम मौजूद थे मिस्टर रोहित और उन्होंने इस बीच ये गेंद इसको खेलना जरूर चाहते थे, लेकिन बैट और बॉल का उतना अच्छा संपर्क नहीं हो पाया, जरूर इस बार इस गेंद को खेल दिया है ये बुलेट है, इसके एरिया में वहां पर फील्डर मौजूद जरूर, एक रन से इस स्कोर को आगे बढ़ाएंगे। स्कोर की बात करो फॉर्म में नजर आए थे तो इस बार पॉइंट की दिशा में हल्के हाथों से थकेला वहां पर प्रधान मौजूद है और इस एक रन के साथ टीम का स्कोर उछलेगा 73 रन। स्पीड कोटवाल आए हैं, स्पीड गेंदबाज, अच्छी फ्लाइट के साथ गेंद का होगा अगले ओवर्स में बल्लेबाजी करेगा, इस बार इस गेंद को जरूर खेला है वहां पर स्पीड के कारण आसानी से पूरा कर लेगी, बैटरी जी को जाना 29 रन से
टॉस गया जरूर, लेकिन ऑफिसर से खासा बाहर जरूर होगी। वाइड गेंद, ओ सर अब छक्का मारे, छक्का मारे अगर भी एक यहां से पहले हम जान सके पहले जब तो इस बार ये गेंद इसको जरूर थी बहुत मुख नहीं लाने जरूर दर्शकों का दिल खुश कर दिया है। चार रन, छह रन, छह रन Gracias.